After discussing factorial operations, next one related operations are per calculating permutations or combinations. Permutations के केसेस में जस्ट लॉजिक क्या रहेगा? As you know, permutations for any given value of n and r, इस केस में two parameters required होंगे. इसका जस्ट फॉर्मूला क्या है? Formula of calculating permutations, factorial of n upon factorial of n minus r. इसका ऐसे एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट हुआ, रिजल्ट कंसीडर किया जाए परम्यूटेशंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन एंड आर. फाइनली से एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या हैं? फैक्टोरियल ऑफ एन एंड फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर. इससे जस्ट पहले आपको रिक्वायर्ड वेरिएबल्स क्या रिक्वायर्ड होंगे इस केस में? एन एंड आर प्लस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो रिजल्ट. तो इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट वन, सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? फैक्टोरियल ऑफ n. ये सबसे पहले कैलकुलेट क्या कराना होगा? फैक्टोरियल ऑफ n. n का फैक्टोरियल किसी सेपरेट वैल्यू स्टोर करा लें समथिंग r1 और रिजल्ट 1. नेक्स्ट वन कैलकुलेट करें फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r. फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r का जो भी रिजल्ट आएगा सेपरेट वैल्यू स्टोर करा लें समथिंग r2. नेक्स्ट वन फाइनली परम्यूटेशंस कैलकुलेट करेंगे यूज क्या करें समथिंग रिजल्ट 3. R1 admits result 1, result 2, result 3. Result 3 में जब factory n का factory record इस place पर write down क्या करें इसका result already किस में store है? R1. We use क्या करेंगे? R1. Then divided by R2 n minus R. Factorial of n minus R का result किस में? R2 में इसलिए use क्या करेंगे? R2. Then finally display क्या करा लेंगे? Value of R3. क्योंकि actual final result किस में? R3 में. तो इस process को complete करने के लिए total number of required variables क्या होंगे? फर्स्ट वन थ्री वेरिएबल्स आर वन आर टू आर थ्री एंड एन कॉमा आर फाइव वेरिएबल्स प्लस फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज एवरी टाइम यूज करेंगे सम लूपिंग स्टेटमेंट्स. तो लूप्स के केस में रिक्वायर्ड क्या हो? लूप्स को इटरेट करने के लिए सेपरेट वेरिएबल कॉल्ड एज आई. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस वॉइड मैन. इस केस में अगर ऑपरेशन टेस्ट करना है फॉर सपोज दैट अगर रन टाइम पर n का वैल्यू एंटर किया है वैल्यू ऑफ n इज 5 वैल्यू ऑफ r इज 3 वैल्यू ऑफ r इज 3. अगर r का वैल्यू क्या है 3 और n का वैल्यू क्या है 5 तो इस केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्या है समथिंग r1 r2 r3. फर्स्ट वन r1 में क्या आसान होना चाहिए? फैक्टोरियल ऑफ n. n 5 और 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा 120. नेक्स्ट वन r2. r2 में क्या आसान करा हुआ? फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. n क्या है इस केस में 5 n माइनस r 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल ऑफ 2 इज सिंपली 2. नेक्स्ट वन आफ्टर दैट जब 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका डिवीजन क्या आएगा 60. इसलिए रिजल्ट 3 आर 3 में कैसा हो जाएगा 60. इसलिए फाइनली एन मीन्स इस केस में एन क्या था 5 पी आर आर मीन्स 3. इस केस में फाइनली फैक्टोरियल क्या रहा है इसका? परम्यूटेशंस क्या रहा है? टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस आर 60. क्लियर. नेक्स्ट वन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई यूजिंग गिवन सोर्स कोड providing variable declarations something variable result 1 result 2 and result 3 comma n comma r comma i then reading value input value for n is puts enter number. इस केस में inputs कितने required है? Only number और एज वेल एज आर मीन्स एन कॉमा आर टू इनपुट्स आर रिक्वायर्ड देयरफॉर वी आर राइटिंग एंटर वैल्यूज फॉर एन कॉमा आर. पुट्स फंक्शन यूज किया इसलिए स्लैस एन की नीड नहीं होगी. स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एन एम परसेंट ऑफ आर. नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप एन और आर का वैल्यू रीड करने के जस्ट फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या है? कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ एन. मीन्स फैक्टोरियल का लॉजिक ऑलरेडी डिस्कस किया था. अगर एन का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना तो इस केस में अगर एन का वैल्यू 5 है तो फैक्टोरियल क्या होगा इसका? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. इस केस में लूप कहाँ से स्टार्ट करना है? 5 से. और 5 जनरली स्टोर किस में होगा? समथिंग वेरिएबल आर एन.
हाँ जी, लूप के केस में इनिशियलाइजेशन किससे होगा, आई इक्वल्स टू वन मोर थिंग्स हेयर वी मस्ट इनिशियलाइज मीन्स रिजल्ट किस में सेंड कराएंगे, आर वन आर टू आर थ्री, इसलिए आर वन आर टू आर थ्री का इनिशियल वैल्यू में प्रोवाइड कर रहा हूँ समथिंग आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आर थ्री इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू एस वन, इनिशियल वैल्यू ऑफ एस वन मीन्स जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा मीन्स एग्जीक्यूशन के साथ साथ अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए सोर्स कोड पार्ट कर देना आपके लॉजिक्स ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दैट केस जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने क्रिएट होने इस केस में, आई थिंक सिक्स वेरिएबल्स, देयर आर सिक्स वेरिएबल्स इनसाइड स्टैक मेमोरी। अगर स्टैक के अकॉर्डिंग एलोकेशन कराएं, सबसे पहले एलोकेशन किसके लिए हो रहा है, वेरिएबल आर वन आर टू आर थ्री एंड सो ऑन मीन्स दिस वन इज अ स्टैक डायग्राम, एलोकेशन फॉर आर वन, एलोकेशन फॉर आर टू, एलोकेशन फॉर आर थ्री एंड आर आई, लाइक दैट। इनिशियल वैल्यूज क्या हैं ऑल वेरिएबल्स के, गार्बेज 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 गार्बेज। आफ्टर दैट जैसे स्कैनर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ इसके अकॉर्डिंग मैसेज क्या प्रिंट हुआ, इसे जस्ट पहले एंटर एन कॉम आर, सपोज दैट वी आर एंटरिंग वैल्यूज फॉर एन इज फाइव एंड वैल्यूज फॉर आर इज थ्री, तो एन के केस में कैसा हो जाएगा फाइव एंड आर के केस में कैसा हो रहा है थ्री। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद आर वन आर टू आर थ्री सारे के सारे वेरिएबल इनिशियलाइज किस हो रहा है वन से, तो सभी वेरिएबल्स का इनिशियल वैल्यू क्या है वन वन वन। नेक्स्ट वन आफ्टर दैट जब फर्स्ट टाइम कैलकुलेट क्या करेंगे इस केस में, आर वन इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ एन, तो एन का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होती है सीरीज, इस सीरीज के केस में इस सीरीज को मैनेज करने के लिए लूप स्टार्ट करें इस केस में, आई इक्वल्स टू आई का इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है एन से, देन एवरी टाइम लूप कब तक चलाना है जब तक आई का वैल्यू वन से बड़ा है, देन आई माइनस माइनस, प्रीवियस केस में डिस्कस किया था इस केस में क्या आएगा, आर वन इक्वल्स टू आर वन मल्टीप्लाई विद आई। जब ये लूप चलेगा लूप के अकॉर्डिंग आई का इनिशियलाइजेशन किससे हो जाएगा वन से, आई का इनिशियल वैल्यू क्या होगा वन, प्लस ये लूप कब तक चलेगा अप टू सॉरी आई का इनिशियलाइजेशन फाइव से होगा क्योंकि नंबर का वैल्यू क्या है फाइव, फाइव से लेकर कब तक चलेगा अप टू वन। फाइनली जब ये लूप कंप्लीट होगा तो आर वन में मैनेज क्या हो रहा है, आर वन का वैल्यू चुका हुआ 120, 120 वैल्यू ऑफ आर वन बिकम्स 120। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम आप फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट करना है एन माइनस आर, इसका रिजल्ट किस में सेंड कराएं सेपरेट वैल्यू आर टू, तो अगेन फिर से रिक्वायर्ड क्या हो वन मोर लूप्स, सेकेंड टाइम लूप्स के थ्रू मैनेज क्या कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, इसलिए इनिशियलाइजेशन किससे हुआ आई इक्वल्स टू एन माइनस आर, अगर एन का वैल्यू फाइव है और आर का वैल्यू थ्री है देन आई का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ समथिंग टू, टू किस में आसान हो जाएगा आई में, नाउ अगेन वैल्यू ऑफ आई कम्स टू, इन नेक्स्ट टाइम लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा टू से लेकर वन तक, अगर आर का वैल्यू टू होता देन कब तक चलता मीन्स डिफरेंस इज थ्री मीन्स फाइव माइनस टू इज डिफरेंस क्या था थ्री, देन इसके लूप कितनी बार रिटेट होने के चांसेस थे थ्री टाइम्स। फाइनली फैक्टोरियल का लॉजिक सेम ही रहेगा आई ग्रेटर देन वन आई माइनस माइनस, अगेन नेक्स्ट टाइम इसका रिजल्ट कैलकुलेट किस में कराना है आर टू में, स्टोर किस में कराना है वेरिएबल आर टू, आर टू इक्वल्स टू आर टू मल्टीप्लाई बाई आई, और इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या राइट कर सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई, इट इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू आर टू इक्वल्स टू आर टू मल्टीप्लाई बाई आई। अब आपके पास आर वन भी अवेलेबल है आर टू भी अवेलेबल है, फाइनली परम्यूटेशंस के लिए नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट क्या कर लेंगे आर थ्री, आर टू का वैल्यू क्या आसान हो चुका है वो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मीन्स इसका डिफरेंस क्या रहा है फाइव माइनस थ्री इज टू, टू का फैक्टोरियल क्या रहेगा टू, आर टू में आसान हो जाए तो आर टू का वैल्यू क्या इसके अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट वन आर टू इक्वल्स टू आर वन डिवाइडेड बाई आर थ्री इक्वल्स टू आर वन डिवाइडेड बाई आर टू, आर वन इज 120 आर टू इज टू डिफरेंस इज 60 असाइन टू द वेरिएबल आर थ्री, अब वैल्यू ऑफ आर थ्री बिकम्स 60। नेक्स्ट टाइम जो डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ आर थ्री इस केस में डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ आर थ्री, प्रिंट एफ मीन्स रिजल्ट इज आर थ्री, आर थ्री का करेंटली वैल्यू क्या स्टोर है
60, इसलिए आउटपुट भी क्या प्रिंट होगा ऑल्सो 60। आफ्टर सम इनपुट मीन्स सबसे पहले मैसेज क्या प्रिंट हुआ था, एंटर एन कॉमा आर, एंटर किया समथिंग 53, फाइनली रिजल्ट इज डिस्प्लेड, रिजल्ट इज 60।